हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल OPGS पटना में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के प्रश्न जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक ले हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। लिखित में से मनुष्य का अध्ययन होता है आर्कियोजूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दोस्तों RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी जिसे कहा जाता है, इसका संबंध किससे है? चिड़िया से, कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण या तंतु। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना और वातावरण। ठीक है दोस्तों, इकोलॉजी में शरीर की संरचना और वातावरण के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेंटोलॉजी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कौन सा? अर्कनालॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिकल्चर या साइनोलॉजी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्कनालॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये दोस्तों RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहता है? पूरा जैविक, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण या पूरा वनस्पति शास्त्र। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाश्म विज्ञान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधों की प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों में खान पान की आदत या हड्डियाँ। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त। रक्त, हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का या जानवरों का। ये देख लीजिए दोस्तों, RRB JEE 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये दोस्तों RRB NTPC 2016 में पूछा गया है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने का, नींद का या रंग का। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपने का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये दोस्तों RRB इलाहाबाद 2009 में पूछा गया है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, तो इंसानी व्यवहार, जहर, भूरक्षण या चट्टान। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहर। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी तक ले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक ले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर संरचना, पौधों का, जानवरों का या मानव मनोविज्ञान। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पौधों का। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान में जानवरों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? ये दोस्तों RRB में पूछा गया है, TC में और CC में 2002 में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन एपिकल्चर, हार्टिकल्चर, PC कल्चर या सेरिकल्चर। तो रेशम कीट का पालन कहलाता है तो ये कहलाता है आपका सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी अस्थि, मधुमेह, कैंसर या यकृत संबंधी। तो दोस्तों ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा कैंसर। कैंसर से संबंधित बीमारी का उपचार है ऑन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल्चर किससे संबंधित है? ये दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद 2002 में पूछा गया है कि एपिकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी, मछली, लाख कीट या रेशम का कीट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। मधुमक्खी से संबंधित है एपिकल्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या परजीवियों का अध्ययन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या माइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये दोस्तों आपका आरआरबी कोलकाता 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी जो होता है वो किसके अध्ययन से संबंधित होता है? मानव कोशिका, कवक, विषाणु या जीवाणु। ये दोस्तों आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।